अगर पूरी धाम के प्रसाद की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में खाजा का नाम आता है। क्या कभी आपने सोचा इस खाजे को कैसे तैयार किया जाता है? तो आज मैं आपको लेकर आगे पूरी के नरसिंगा स्वीट्स की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे डेली के 10,000 किलो खाजा को बल्क क्वांटिटी में तैयार किया जाता है और जो कि इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि पूरी धाम जो भी दर्शन करने के लिए आता है इनके यहाँ से खाजा जरूर लेता है। तो चलिए आपको इनकी बिगेस्ट मेगा फैक्ट्री में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ खाजा को बल्क क्वांटिटी में कैसे तैयार किया जाता है। खाजा पूरी का प्रसिद्ध चीज है, मतलब भगवान जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय चीज है। चोखा मिठाई जो 56 भोग में जाता है, खाजा नंबर 1 में रहता है। ये तो मैदा गूंदने का मशीन होता है, ये खाली गोंद के दे देता है। ज्यादातर खाजा का फैक्ट्री में देखिएगा मशीन नहीं लगा है, हमने टेक्नोलॉजी अपना लिया। तो कितना टाइम लगेगा इसमें बनने में? ये 10 मिनट में निकाल देगा, अभी रेडी हो जाएगा अभी 10 मिनट। तो बड़े सी कंटेनर से देखते हो यहाँ पे मैदा निकाला जा रहा है, जो भी हमने डो रेडी किया था उसको निकाल के इसको तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट अभी गूंदा जाएगा, अभी थोड़ा गोल गोल रोल करके। अभी इसे प्योर चीज है ना, नेचुरल चीज है, सब लोग भूल चुके हैं। ये देखिए एक नेचुरल चीज है, अब लकड़ी में कोई नहीं बनाता, इसका टेस्ट अलग रहता है। तो ये पूरा दिन ऐसे काम चलता रहता है यहाँ? पूरा दिन डेली बनता है, डेली बेचते, बासी नहीं रहता, कस्टमर बासी नहीं खाते। कस्टमर का सेहत का ख्याल करना पड़ता है ना, खाली दुकानदार बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, कस्टमर के बारे में कौन सोचता है। इसके बाद ये रोल होगा, थोड़ा तेल देने के बाद ये थोड़ा नरम हो जाएगा, हार्ड रहता है मैदा थोड़ा। तो मैदे को हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया जाता है और उसके बाद देखो तो नीचे यहाँ पे लकड़ी के फट्टे पे इसको तैयार किया जाएगा। देखो तो कितना सारा डो यहाँ पे रेडी कर दिया गया है और कितने सारे यहाँ पे इसे तैयार किए जाएंगे। तो भैया खाजा बनाने में कितना टाइम लग जाता है? टोटल 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, 1 घंटे में तैयार हो जाता है? हाँ, 1 घंटे में हो जाता है। बच्चे भी देखते हल्का सा यहाँ पे ऑयल डाल दिया गया है। हाँ, वो आसान होगा थोड़ा चलने में। तो बच्चे से उसको बेला जाएगा। हाँ, तो देखो तो दो लोग मिलके यहाँ पे हमारा खाजा रेडी कर रहे हैं और देखते खाने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको लगाया जाता है। तो अभी इसकी शीट बनाएंगे भैया? हाँ, ये वो उमाम बोलते हैं उसको, घी और मैदा, थोड़ा सा तेल देते हैं, मतलब मक्खन जैसे लगने। अब इसको धीरे धीरे करके रोल किया जा रहा है। 80 साल का दुकान है खाजा दुकान, 2-3 तो दुकान का था मंदिर के पास, खाजा पट्टी बोलते थे उसको। तो देख सकते जो हमने यहाँ पे रोल रेडी किया था उसको थोड़ा सा साइज में बड़ा किया जाएगा। तो भाई यही साइज रहता है खाजा का? हाँ, ये देसी घी वाला बनेगा अभी। अच्छा, देसी घी वाला खाजा। हाँ। तो रोल को साइज में देख सकते कितना ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, इसको अच्छे से यहाँ पे कट किया जाएगा। तो खाजा की देख सकते कितने बढ़िया तरीके से फटाफट यहाँ पे कटिंग की जा रही है, खाजा की यहाँ पे अच्छे कटिंग हो चुकी है। सामने देख सकते हो कितने सारे लोग बैठ के एक साथ इसको यहाँ पे खाजा को शेप दे रहे हैं और इसी शेप में खाजा को अच्छे से फ्राई किया जाता है, जो कि फ्राई करने के बाद अच्छे से फूल जाता है और एकदम बढ़िया शेप में आ जाता है। तो बड़ी सी कढ़ाई में अब देख सकते हो यहाँ पे देसी घी डाला जा रहा है, इसको अब यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया जाएगा। तो 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जैसे ही इसका गोल्डन ब्राउन कलर आएगा इसको इसमें से निकाल लिया जाएगा। तो कढ़ाई का साइज देख सकते हो कितनी बड़ी कढ़ाई है और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे खाजा एक साथ रेडी किया जाता है। बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा दीवाने हैं और पूरे इंडिया से लोग इनका खाजा खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और धीरे धीरे इसका कलर देखते एकदम गोल्डन कलर आ रहा है। तो 7 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे और अभी इसको 5 से 7 मिनट और लगेंगे रेडी होने में और उसके बाद इसको यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। टोटल 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और खाजा को अब देख सकते हो यहाँ पे कढ़ाई से निकाल लिया जाएगा। तो रंगत देख सकते हो कितनी बढ़िया से आ चुकी है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है ये। तो गर्मा गर्म खाजा देख सकते हो बनके रेडी हो चुका है, इसको एकदम बढ़िया से टोकरी में निकाला जा रहा है। तो क्वांटिटी देख सकते हो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे यहाँ पे खाजा लग के रेडी हो चुके हैं। तो देख सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में खाजा एकदम बड़ी सी कढ़ाई में यहाँ पे डाल दिए गए हैं और चाशनी में अब इसको अच्छे से यहाँ पे रेडी किया जाएगा। तो 5 से 7 सेकंड देख सकते हो खाजा को यहाँ पे कढ़ाई में रखा गया है चाशनी के अंदर और अब इसको फटाफट यहाँ से निकाला जा रहा है। रंगत देख सकते हो इसकी कितनी बढ़िया यहाँ पे आ चुकी है, चाशनी एकदम इसने पी ली है और देख सकते हो अच्छे से रेडी हो चुके हैं। 10-15 मिनट ठंडा होगा। जय जगन्नाथ, मेरा नाम भावा है और हमारा खाजा का दुकान है ओल्ड नरसिंगा स्वीट्स, बहुत पुराना दुकान है, 80 साल का दुकान है। शुरुआत हुई थी हमारे पिताजी ने किया था, खाजा का दुकान ही नहीं टाउन में कहीं भी नहीं था, मंदिर के पास 2-3 दुकान था, हमारा 1 दुकान और 2-3 दुकान था। तो खाजा पट्टी उसको बोलते हैं, अभी तो टूट गया सब, तब 2020 में तोड़ दिए मंदिर के काम वजह से, अभी यहाँ पर दुकान आ गया थोड़ा आगे स्वर्गद्वार रोड में। पूरी में क्या, सारा जितना भी आप इंडिया के लोग आते हैं खाजा को ही पसंद करते हैं, क्योंकि खाजा जो है जगन्नाथ जी का मेन सूखा प्रसाद में वो मेन प्रसाद है और पूरी का भी फेमस है, खाजा ही आपका परिचय है और कुछ नहीं, और टिकने वाला चीज है, 15 दिन रख सकते हैं। लेकिन खाजा का जो क्वालिटी है अभी सब खराब करके बेचते हैं, वो बड़ी दुख की बात। हाँ, देसी घी का बनाते हैं और सनफ्लावर तेल का भी बनाते हैं। तो प्राइस कितना रहता है यहाँ पे खाजा? देसी घी का जो है प्राइस 440 रुपया रहता है और सनफ्लावर का 180 रहता है, 160 रहता है। तो देखो तो ये इनका देसी घी वाला खाजा कितने बढ़िया सी शेप से इसको तैयार किया गया है और कितनी सारी लेयर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी और एकदम देख सकते चाशनी में इसको अच्छे से डुबोया गया है और एकदम गर्मा गर्म मुझे सर्व किया है। तो इनके यहाँ की खास बात यह रहती है कि इनका जो खाजा रहता है डेली नया बनता है, ताज़ा बनता है, फ्रेश बनता है। तो एक बार आके इसको जरूर ट्राई कीजिए, हम भी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है।
तो वाकई में जैसे इनका नाम सुना था, इनका जो खाजा है काफी ज्यादा क्रिस्पी है, काफी ज्यादा टेस्टी है और एकदम गर्मा गर्म सर्व किया है, इसका टेस्ट ही अलग आ रहा है। तो अगर आप भी पुरी में रहते हो और बढ़िया सा यहाँ पे खाजा टेस्ट करना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनका देसी घी वाला खाजा एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो बात की जाए इसकी प्राइस की, तो 160 रुपए का आपको यहाँ पे खाजा मिल जाएगा, और अगर आपको देसी घी वाला खाना है तो आपको मिलेगा 440 रुपए का। तो एक बार आके इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो अगर आप भी पुरी में रहते हो या जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आके एक बार इनका खाजा जरूर ट्राई कीजिए। सुबह 7 बजे खुलता है दुकान और 11 बजे बंद होता है रात। नाम है ओल्ड नृसिंगा स्वीट्स, उड़ीसा में आपका जगन्नाथ पुरी में पड़ता है, बाली से ही स्वर्ग द्वार रोड। तो इस खाजा को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।